वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत सारे हॉल वीडियोस भी शेयर करती हूँ और स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, और ये जो प्रोडक्ट है वो है एम कैफीन की तरफ से। एम कैफीन अभी बहुत सारे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे, तो उनके ऑलरेडी मैंने न्यू लॉन्चेस आप लोगों के साथ शेयर किए हुए। ये है एम कैफीन का बॉडी स्क्रब, ये कॉफी बॉडी स्क्रब है और ये इनका न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। एक और इनका जो कॉफी बॉडी स्क्रब आता था नेक डेंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब, तो वो तो बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं और उसे भी मैंने बहुत ज्यादा यूज। सो गाइस, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अभी विंटर स्पेशल बॉडी स्क्रब लॉन्च किया है, क्योंकि इनका जो पहले वाला आता था वो ऐसे पाउडर फॉर्म में रहता था, लेकिन ये वाला जो स्क्रब है ये आपको क्रीम टेक्सचर में देखने को मिलता है। तो इसे मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी जो वाटर बॉक्स है बिल्कुल वैसी है जैसे पुराने वाली की थी। और गाइस, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और इसमें कोई भी जेंडर बैरियर नहीं है। आप चाहे मैन हो वुमेन हो, दोनों ही आप इसे यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बॉयज के लिए तो ज्यादा प्रोडक्ट होते नहीं है। लेकिन ये वाला जो एम कैफे ब्रांड है, इसके सारे ही प्रोडक्ट्स आप मैन हो या फिर वुमेन हो दोनों ही यूज कर पाएंगे और बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं। जो आलमंड्स होते हैं वो हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा डीप नरिश करते हैं, डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैंने आलमंड वाला लिया है। आप चाहे तो इसका चेरी वेरियंट भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा ही होगा आई थिंक। तो ये वाला मैंने लिया है और इसके बारे में ही आज मैं हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके बारे में फुल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी एम कैफीन का ये वाला बॉडी स्क्रब परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वांटिटी है वो आप लोग को 200 ग्राम की मिल रही है और इसकी जो प्राइस है वो है 449 रुपीज, जो कि मैं कहूंगी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसकी जो पहले वाली भी बॉडी स्क्रब आती थी उसकी भी प्राइस अप्रॉक्स कुछ ऐसी ही थी। तो उसे भी मैंने यूज किया, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये आपको विंटर स्पेशल बॉडी स्क्रब देखने को मिल रहा है, तो इसे मैं ट्राई करना चाहती थी। तो जैसे ही ये लॉन्च हुआ मैंने वैसे ही इसे परचेज कर लिया और मैंने इसे 3-4 टाइम यूज करके भी देख लिया, एंड उसके बाद ही जो रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसे लॉन्च हो गया। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में देखने को मिलता है, जो कि अगेन पहले वाले के टाइप ही है, लेकिन वो थोड़ा ड्राई फॉर्म में आता था और पाउडर फॉर्म में अभी आप कह सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो क्रीम फॉर्म में आ रहा है। गाइस, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, तो वो भी मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ। तो जैसे इसमें वॉलनट शेल भी है, वॉलनट शेल पाउडर है, और वॉलनट हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है और हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। स्क्रब की बात हो और उसमें वॉलनट शेल हो तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, जैसे इसमें कॉफी है, कॉफी पाउडर है और आलमंड ऑयल है, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। तो इतना सारा अगर मैं आप लोगों को रीड करके बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। बाकी सब इसमें सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए सेफ है, कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐड नहीं है। जैसे कि ये PDA अप्रूव्ड है, SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वीगन है, एनिमल टेस्टेड फ्री है और मेड सेफ है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। कुछ चीजें क्लेम करता है तो उसे भी हम रीड कर लेते हैं, मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ। तो रिमूव ड्राई एंड डेड स्किन, तो जैसे कि इसमें वॉलनट शेल्स है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करता है, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें आलमंड है, आपकी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करता है, रिच आलमंड एंड कॉफी अरोमा। तो गाइज, इसमें कॉफी है, आलमंड है, जो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्क करेंगे, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी और ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, क्योंकि इसमें जो बीट्स है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है और बहुत ज्यादा जेंटल है, माइल्ड है आपकी स्किन। ऐसा स्क्रब की आप डेली यूज कर पाए या फिर वीक में 2-3 टाइम आप यूज कर पाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप इस स्क्रब को आप वीक में 2-3 टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत ज्यादा माइल्ड है और जेंटल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जेंटल। आप लोगों ने इनका जो पहले वाला स्क्रब आता था नेक डेंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब, तो उसे तो यूज किया ही होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा अच्छा था। तो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा माइल्ड है और ये थोड़ी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी में, थोड़ा नहीं ये पूरा क्रीमी कंसिस्टेंसी में ही आता है। ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा तो उसके बारे में आप लोगों के साथ हॉनेस्ट रिव्यू ही शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने इसे खुद ही परचेज किया, तो मैं आप लोगों के साथ हॉनेस्ट रिव्यू ही शेयर करूंगी।
और मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा, मैं स्किन पे कैसा वर्क किया है, और साथ ही साथ मैं क्लिप भी ऐड कर दूंगी आप लोग साथ की आप लोगों को कैसा यूज करना है, इसका टेक्सचर कैसा है, तो आप लोग उसे इजी समझ पाए कि आपको ये कैसा लगेगा यूज करने। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर के बारे में। तो इसकी जो टेक्सचर है वो क्रीमी कंसिस्टेंसी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आपकी स्किन को डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और आपकी जो स्किन पे ड्राइनेस है उसे भी दूर करता है। जो प्रोडक्ट है मुझे अच्छा लगा, डेफिनेटली अच्छा लगा है, लेकिन इसका जो पहले वाला कॉफी स्क्रब आता था वो मुझे ज्यादा बेटर लगता था इससे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा आपकी जो स्किन है माइल्डली एक्सफोलिएट होगी। अगर आप वीक में 2 से 3 टाइम स्क्रब करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसका इनका जो पहले वाला स्क्रब है उसे आप डेली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डेली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वीक में 2 से 3 टाइम अगर आप बॉडी स्क्रब करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन पे और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देखने को। सो गाइस, इसमें जो आपको पीड्स देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, वेल राउंडेड है, आप बहुत ज्यादा जेंटली माइल्डली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कॉफी आलमंड ऐसी इसकी फ्रेग्रेंस है, तो आपको लगेगा ही कि आलमंड बॉडी स्क्रब है और कॉफी बॉडी स्क्रब है। तो जैसे एम कैफीन के फ्रेग्रेंस की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इसकी बात तो अलग ही है, लेकिन इसकी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा सही इसके प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट आपको और भी ज्यादा ये सही प्राइस में देखने को मिलेगा और अच्छे डील्स में आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो आपको और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और ये जिसकी केमिकल फ्री प्रोडक्ट है तो मैं अपने बॉडी पे या फेस पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही यूज करना पसंद करूं। तो आपको ये बॉडी स्क्रब लेके अपने बॉडी पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और आपको एटलीस्ट 5 to 6 मिनट के लिए अपने बॉडी पे इसे ऐसे ही छोड़ देना है लगा के। ये चीज इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जैसा रिजल्ट मैंने चाहा है वैसा मिला है मुझे, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। तो आपको इसे अप्लाई करके 5 to 6 मिनट के लिए अपने बॉडी पे ऐसे ही छोड़ देना है एंड उसके बाद 5 to 6 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा वाटर लेकर के उसे वेट करना है और अच्छे से स्क्रब करना है अपनी बॉडी पे, तो आपकी जो स्किन पे टैनिंग है, डलनेस है, डेड स्किन सेल्स की लेयर है वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगी और आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ क्लियर ग्लोइंग स्किन देखने को मिलेगी। आपकी जो बॉडी की स्किन है ना वो ग्लो भी करेगी अगर आप कुछ इस तरीके से यूज करते हैं तो अपने बॉडी पे, और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसे 4 to 5 टाइम यूज कर लेंगे ना आपको इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम में आपको तो बहुत ही अच्छी लगेगी, आपकी स्किन नरिश लगेगी, मॉइस्चराइज लगेगी, आपकी स्किन से जो ड्राइनेस है उसे बहुत हद तक दूर कर देगा ये। गाइस, अगर आपकी स्किन ऑयली टू नॉर्मल है तो आप इसे अप्लाई करने के बाद, यूज करने के बाद अगर आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर नहीं भी अप्लाई करेंगे ना तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से नरिश रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और आपको कोई भी मॉइस्चराइजर अलग से बॉडी लोशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, गाइस अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है और ड्राई है तो आपको इसे यूज करने के बाद अपनी स्किन पे जरूर से बॉडी लोशन, बॉडी बटर, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आप अप्लाई करना पसंद करते हैं उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉफी बॉडी स्क्रब के साथ आपको ये कॉफी बॉडी बटर भी देखने को मिलता है जो कि कंपनी ने कॉम्बो में लॉन्च किया था, तो मैंने इसी भी परचेज किया है। तो इसका भी रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसे जाकर के आप तुरंत देख सकते हैं। और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप स्क्रब करने के बाद ये वाला बॉडी बटर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसमें भी आलमंड वाला ही मैंने लिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आप इसका भी वीडियो जरूर से जाकर के देख लीजिएगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन पे, तो आप क्लिक करके देख लीजिए। ऐसे बॉडी स्क्रब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यूज करके, इस विंटर के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आप डेफिनेटली इस बॉडी स्क्रब के लिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन। इस स्क्रब के बारे में अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को रिव्यू जो है वो हॉनेस्ट लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं अपने आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।